पानी गिर रहा है भाई इसमें से, मम्मी को पता चलेगा ना बहुत मार पड़ने वाली। तो पिछले वाले एपिसोड में हम लोगों ने सिर्फ एक टाइम वेस्ट किया है क्रीपर को मारने में, और कुछ भी नहीं किया उस एपिसोड में मैंने। तो अभी सिर्फ मैं ध्यान रखूंगा अपने मेन काम पे, जो कि है हमारा वर्ल्ड को देखना और सर्वाइवल सीरीज को सही से खेलना। या अगर फिर मैं ऐसे ध्यान भटकाने वाले काम ना करूं और टाइम वेस्ट ये सब फालतू काम ना करूं तो। हे व्हाट्सअप गाइस, मैं हूं ऐश। हे व्हाट्सअप गाइस, मैं हूं ऐश, एंड आज हम लोग खेलने वाले हैं दोबारा से माइनक्राफ्ट। और गाइस पिछले वाले एपिसोड के बारे में मत पूछना, अभी हम लोग बिल्कुल सही से खेलने वाले हैं। आज वैसे बहुत सारा काम है हम लोगों का। और भाई एक सेकंड, मेरा पिकेक्स कहाँ गया? ओह मेरा पास एक अच्छा पिकेक्स था यार, मैंने आयरन का बनाया था शायद। अबे चोरी हो गया क्या एक ही बार में? अबे कूद जाओ ना यार, कौन सा मर जाऊंगा। तो हम लोगों ने यहाँ पे बदला मैं आ जाऊं क्या? अबे ये एक क्रीपर कैसे बच गया यहाँ पे? इसकी नहीं नहीं नहीं, ओ बच गया। ओह भाई बच गया। अब कान पकड़ दो, अब नहीं लड़ूंगा भाई किसी भी क्रीपर से मैं। अब मैं जा रहा हूँ अपना परफेक्टली अपने सर्वाइवल सीरीज पे काम करने। भाई हम लोगों के पास अभी तक डायमंड का आर्मर नहीं है, वैसे तो दो ही एपिसोड हुए हैं, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है इसको स्टार्ट किए, लेकिन आज से हम लोग सही से करेंगे। चलो भाई पहले कचरा साफ करते हैं अपने इन्वेंटरी में। देख रहे हो कितना कचरा भरा पड़ा है, सब हटाना पड़ेगा भाई। ये मैंने अपना सेकेंडरी मतलब किराए पे लिया हुआ घर एक तरीके से समझ लो, इसको मैंने खरीद लिया था, चुरा लिया था एक्चुअली किसी विलेजर को, उसको मार के भगा दिया था। वैसे ये वाली जगह ज़्यादा अच्छी है वहाँ के मुकाबले, मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे घर बनाऊँ, ये ज़्यादा अच्छी जगह है। बस मेरे को इसको रिपेयर करना पड़ेगा और कुछ नहीं, ये भी हो जाएगा रिपेयर, तो यहीं पे बनाते हैं यार अपना घर सबसे बेस्ट। ये कचरा जिसने किया है ना, मैंने किया है, मेरे को ये कचरा भी साफ करना पड़ेगा। पर उससे पहले मेरे को जाना है यहाँ पे वुड काटने, क्योंकि मेरे को बहुत सारे वुड लगने वाले हैं, और खाने का भी लंका लगा पड़ा, खाना भी नहीं है मेरे पास यार ठीक से। ओके मेरे पास इनफ वुड हो चुके हैं, मैंने बहुत देर वुड काट लिया, अब निकलते हैं भाई। मेरा प्लान है घर बिल्कुल ही अलग तरीके से बनाने का, तो देखते हैं भाई कोई अलग आइडिया आ जाए तो बहुत अच्छा होगा हमारे घर के लिए। एरिया भी प्लान करना है मेरे पास, वैसे तो 53 डर्ट्स हैं, क्या 53 डर्ट्स में हो पाएगा पता चलेगा आगे। पहले चलते हैं हम लोग यहाँ पे, इसको रिपेयर कर, हट जगह साफ करो। ओके इतना बड़ा हम लोगों का घर बनने वाला है, और आई नो ये बहुत छोटा है लेकिन फिर भी हम लोगों को ऐसा ही घर चाहिए भाई, ये वाला मैं यूज़ करने वाला हूँ इसके लिए। वैसे तो मेरे को बहुत बेकार वुड लगती है यार ये, लिटरली देखना एक बार, आए हाय पूरा लुक ख़राब कर देगी ये, तो मेरे को दूसरा वुड लेना पड़ेगा। यहाँ पे दो डोर लग जाएंगे आगे की साइड में। ओके ठीक है यार, अभी के लिए फ़िलहाल के लिए तो मैं यही यूज़ करता हूँ, मैं इसको ना स्टोन से रिप्लेस करूँगा, स्टोन भी अच्छा वाला स्टोन, लाइक उनको फर्नेस में डाल के हम लोग स्टोन ब्रिक्स बना के फिर बनाएंगे। घर थोड़ा बड़ा बनाना है मुझे फ़िलहाल के लिए तो, और मैं सोचूँ ट्री हाउस बनाऊँ यार, ट्री हाउस बहुत टाइम हो गया देखे, लाइक रात बहुत ज़्यादा हो चुकी है, बस मेरे को मेरे घर में कोई घुस ना जाए। ओके चलो भाई जल्दी से चलते हैं, बेड लाते हैं, वहाँ पे मेरा गोल्डन एप्पल रखा है, चेस्ट में चेस्ट तोड़ के ले आएंगे, एंड फर्नेस भी ले आएंगे, फर्नेस भी ज़रूरी है, मेरा ही फर्नेस है मैं किसी और को क्यों दूँ, तो भाई चलो फर्नेस भी उठा के ले आएंगे। बट अभी के लिए पहले तो इधर भागते हैं भाई, यार यहाँ पे वैसे आयरन गोलम दिख नहीं रहा है, अगर भसड़ मच गई ना कोई आया मेरे पे मारने के लिए हमला हमला करने, मैं तो बजा दूंगा। चलो भाई ये वाला घर, ये बेड तोड़ दो, ये मेरा ही बेड है, ऐसा ना सोचना कि मैं किसी और का चुरा के ले आ रहा हूँ, मेरा ही बेड है। यहाँ से ये सामान तोड़ लेते हैं। अबे मेरी इन्वेंटरी भर के क्या कचरा पड़ा पड़ा है भाई, ये एक में जाओ ना। ओके मैंने अपनी कीमती चीज़ें यहाँ चेस्ट में डाल दी है, जो कि बहुत ज़्यादा ही कीमती है मेरे लिए, एक एक चीज़ के लिए मैंने बहुत मेहनत करी, और फाइनली मेरे पास ये सारी चीज़ें आ चुकी है। मेरा बेड भी यहाँ पे प्यारा सा लग चुका है, पीला सा, मेरे को एक्चुअली ब्लू बेड चाहिए, तो मैं इसमें डाई करने वाला हूँ ब्लू कलर का, ताकि ये पूरा मेरा हो जाए। एक्चुअली मैंने कहीं से उठाया है, बट ये कौन है भाई, किट 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 कौन कर रहा है यहाँ पे, कौन है भैया कौन? ये कहाँ से? अच्छा हाँ ये रात में गिरा था ना यहाँ पे, भाई साहब बच गया मैं, अभी यहाँ से निकलते हैं, मैं तो भूल गया था बिल्कुल यार इसके बारे में, ये जगह मुझे भरनी पड़ेगी, वरना यहाँ पे अगर मैं ही गिरूँगा भाई, मैंने खुद ही गड्ढा खोदा है, मैं खुद ही गिरूँगा, सुना है कहावत जो गड्ढा खोदता है वही गिर, कुछ तो कहावत थी बट याद नहीं आ रही थोड़ी सी। ओके तो अभी मैं यहाँ से निकलता हूँ नीचे डायमंड माइनिंग करने के लिए, मेरा घर भी बन चुका है, आई नो बेकार सा है लेकिन ठीक है कोई नहीं यार, माफ़ कर देना, मैं इसको और अच्छा बनाने की कोशिश करूँगा, बट फिलहाल के लिए हम लोगों को डायमंड्स ही होंगे, और आयरन में भी वैसे मैं अच्छा लग रहा हूँ, क्या बोलते हो गाइस आयरन में सर्वाइव करें क्या? लोग नॉर्मली डायमंड तो माइन करते ही हैं, हम लोग आयरन में सर्वाइव करते हैं, लेट्स गो। ये सबसे एक्चुअली मैं ऐसा नहीं है कि मैं बहाना मार रहा हूँ, मेरे को जाने का मन नहीं कर रहा माइनिंग करने के लिए, ऐसा कुछ नहीं, मैं बहाना नहीं मार रहा,
लेकिन यार ट्राई कर सकते हैं यार, माइनिंग तो होती रहेगी। मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा सा टहल के आते हैं। बहुत टाइम हो गया यार वर्ल्ड में आया, मैंने अपना वर्ल्ड भी एक्सप्लोर नहीं किया अभी तक। क्यों मैंने क्यों मारा होगा यार इसको, क्यों मारा होगा मैंने यार। चलो यहाँ से आगे निकलते हैं। ओ भाई वो भी दो दो, मैं मेरे पास हड्डी है, मेरे पास एक्चुअली मेरे पास दो अभी है। एक काम करता हूँ ना, मैं एक को टेम करता हूँ, अगर ये दो में टेम हो गया ना, प्लीज़ 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 दो में टेम हो जाए ये, बस दो में प्लीज़ यार, एक यार प्लीज़ टेम हो जाए। अबे पेटू यार टेम भी नहीं हुआ ये मेरे पास। वैसे बहुत भाई यहाँ पे बहुत सारे डॉगीज हैं, मेरे पास बहुत हड्डियाँ मेरे चेस्ट में पड़ी है, मेरे को याद है। तो मैं अपने चेस्ट में से जाके बहुत सारी हड्डियाँ ले आता हूँ और इनको टेम करता हूँ। भाई मेरे को एक पेट चाहिए यार जिसका नाम मैं, थोड़ा नाम अजीब सा है, मैं बोलना नहीं चाहता, बट उसका नाम है चिंकी। हाँ तो इसलिए मैं पेट मैं लेके आता हूँ, ठीक है। रुको हड्डी लेके आया, मैं आ रहा हूँ मेरे डॉगीज। मैं लिटरली वो जगह जन्नत है यार, वो जगह लिटरली जन्नत है, वहाँ पे डॉगीज हैं। जल्दी चलते हैं वहाँ पे। मैं आ गया, मेरे डॉगीज कहाँ पे हो? लास्ट वाले किसने खाया था वो दो हड्डी मेरे को, पहले उसको उससे मिलना है। तूने खाया था ना मेरा दो हड्डी, तो तू पट जा यार, एक में पट गई। फाइनली हमारे पास हमारी चिंकी आ गई, आ चुकी है। भाई यार मेरी पहली पेट इस वर्ल्ड की। यार मैं तेरे को अपने कलेजे से लगा के रखूँ, ऐसे ही बोलते हैं ना, कलेजे से लगा के। हाँ तेरे साथ रहूँगा, सात जन्म मतलब जितने साल भी यहाँ पे रहूँगा तेरे साथ रहूँगा। क्या बोल रहा हूँ। कमेंट में सजेस्ट करना अच्छे अच्छे नाम जो आप लोगों को अच्छा लगे इसके लिए, और कुछ भी हो सकता है, अच्छा नाम होना चाहिए बस। चिंकी तो पक्का है, लेकिन बाकियों का नाम क्या होना चाहिए कमेंट में ज़रूर बताना, बता देना यार। और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, नेक्स्ट एपिसोड में। गुड बाय।